अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो साइज नंबर 7 और 8 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए मैं 2 कलर की वूल लूंगी और सर्कल नीडल इस तरह की और मार्कर। सर्कल नीडल जो है वो 3.50 mm की है। इसे हम 8 नंबर नीडल या 9 नंबर नीडल पर भी बुन सकते हैं। तो चलिए इसमें फंदे डाल लेते हैं। उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ें और एक लूप बना लें। नीडल में इसको उतार लें और ये धागा हम टाइट खींच देंगे और ये वाला टाइट किसी चीज में लपेट लेंगे। तो फंदे हम 3 ही बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और धागे को करेंगे अपनी तरफ ऐसे और अगले फंदे को बुन लेना है। और यहां पर देखें, एक फंदा हमारा बट जाएगा। अभी ये फंदे को क्योंकि हमें उल्टा बुनना है तो धागे को हमें इस तरह से अपनी तरफ करके फिर पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर इस तरफ लाना है। ठीक है, तो इसको बुनेंगे उल्टा। ये 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अभी ये वाला अगला रो जो है वो हम सीधा सीधा बुनेंगे और जो बढ़ाया हुआ फंदा है उसे हम पीछे की तरफ से ऐसे बुनेंगे। ये बढ़ाया हुआ फंदा है इसीलिए इसे हम ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे आपको इसको उठाना है। उंगली की मदद से थोड़ा सा इसको ढीला करिएगा तो ये आराम से नीडल में आ जाएगा ऐसे। धागे को अपनी तरफ और ये वाला स्टिच उल्टा करके एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारना है और यहां पर हमें धागे को करना है अपनी तरफ ऐसे और अगला फंदा बुन लेना है। जब लास्ट का स्टिच रह जाएगा फिर से हमें फंदे को बढ़ाना है और यहां पर हमें 2 बार नीडल के इर्द गिर्द धागे को घुमा लेना है। और जब भी अगले रो को बुनना है तो बढ़ाए हुए फंदे को हमें पीछे की तरफ से ऐसे ऐसे बुनना है। और बीच के फंदे सीधे सीधे बुनेंगे आगे की तरफ से और ये वाला फिर हमें पीछे की तरफ से बुनना है। जो बढ़ाया हुआ फंदा है ना वही हमें पीछे से बुनते हुए बनाना है और लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनना है। तो 3 फंदों से हमारे हो गए हैं ये 7 फंदे। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे बुनते जाएंगे और जब तक ये 23 फंदे नहीं बन जाते। और ये 23 फंदे जो है वो साइज नंबर 7 और 8 वालों के लिए है जिनकी लंबाई जो है पैर की 26 सेंटीमीटर है या 27 सेंटीमीटर है, उनके लिए 23 फंदे ही बनाने हैं। और जिनके पैर की लंबाई है 23.5 सेंटीमीटर या 23 सेंटीमीटर, ठीक है, 24.5 सेंटीमीटर या फिर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उनके लिए 21 फंदे बढ़ाएंगे। और जिनके पैर की लंबाई है 22 सेंटीमीटर या 19 सेंटीमीटर तो उनके लिए 19 फंदे आपको बनाने हैं। तो इस तरह से आपको अपने पैर के मुताबिक इसको बनाना है। और अगर आपके आपको जो है इस बात का पता नहीं चलता कि कैसे हम पैर की जो है लंबाई नापे, ये पैर की लंबाई देखें, ये 26 सेंटीमीटर जो हम 23 फंदों वाला बनाने वाले हैं उनके लिए है। और यहाँ पर देखें, यहाँ ये अंगूठे का निशान है और यहाँ एड़ी का निशान है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये 26 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने पैर की जो लंबाई है नाप सकते हैं। तो उसको किस तरह से आपको नापना है ये देखें, पैर को आप इसके ऊपर रखें, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द
पेन को सीधा रखते हुए ऐसे आप राउंड ऐसे पेन को घुमा दीजिए, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा यहां से लेकर यहां तक का, ये आपको नाप लेना है। तो इस तरह से आप अपने पैर के मुताबिक लंबाई को नाप कर फंदे जो है वो बना सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक मैंने 20 रो बुने हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइनें बन गई हैं। अभी हम यहां पर एक मार्कर लगाएंगे और एक मार्कर यहां पर लगाएंगे क्योंकि आगे फंदे हमें बढ़ाने नहीं है। और आगे की बुनाई बिना फंदे बढ़ाए हमें करनी है। लास्ट का जो स्टिच होगा जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे वैसे ही बुनना है उल्टा करके। ऐसे ही एक और रो बुनेंगे। याद रहे 20 रो बुनने के बाद फंदे हमारे जो है वो 23 हो जाएंगे और उसके बाद हमें आगे फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो ऐसे ही अभी हम इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे आगे। यहां से लेकर यहां तक मैंने 10 रो बुने हैं और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें यहां दिखाई दे रही हैं और टोटल रो जो है वो 30 हो गए हैं। अभी हमें आगे फंदे जो है वो कम करने हैं। यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ 2 फंदों का एक करेंगे और जैसे हमने यहाँ पर मार्कर लगाए हैं सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक एक मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे कि कहाँ से हमने फंदों को बढ़ाया था और कहाँ से कम किया था। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे के जो 2 फंदे हैं ये वाले इन 2 फंदों का हम इस तरह से 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। बाकी की बुनाई सेम ही करनी है सीधा सीधा और लास्ट में जब 3 फंदे बचेंगे ना तो फिर 2 फंदों का एक करेंगे और एक फंदे को हम उल्टा करके बुन लेंगे। ये देखिए ये 3 फंदे हैं और यहां पर हमें 2 फंदों का एक कर लेना है और लास्ट का स्टिच हमें उल्टा करके ही बुनना है जैसा कि हम पीछे भी बुनते आ रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए अभी आगे का रो जो है वो हमें सीधा सीधा ही बुन लेना है। एक रो में हम फंदों को कम करेंगे और एक रो को ऐसे ही बुनेंगे सीधा सीधा। अभी हम फिर से टर्न करेंगे और यहां पर हमें 2 फंदों का एक कर देना है और फिर पूरी बुनाई करेंगे फिर यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देना है, ठीक है। तो अगले रो को हमें सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही हम इसको बार बार रिपीट करेंगे जब तक आगे जो है 5 फंदे नहीं रह जाते। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको आगे बताती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 18 रो बुने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 लाइनें दिखाई दे रही हैं और यहां से लेकर यहां तक टोटल रो जो है वो 48 हो गए हैं। 20 हमने पहले बुने थे और 10 यहां पर बुने हैं और आगे 18 बुने हैं, ठीक है। और आगे की बुनाई अब हम कलर को चेंज करेंगे फिर बुनेंगे। और इससे पहले मैं आपको यहां का मेजरमेंट बता देती हूं कि यहां से यहां तक मेजरमेंट जो है वो कितना है। ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर तक है। तो टोटल जो है ये हो गया है 11 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आगे बुनते हैं और यहां से कलर को चेंज करेंगे। फर्स्ट फंदे से ही हमें अगले कलर को लगा लेना है और अभी हमें क्या करना है साथ ही साथ फंदे जो है वो बढ़ा लेने हैं। एक बार और इसको इस तरह से ऊपर से घुमा देना है ताकि साथ में जो स्टिच है वो ढीला ना पड़े। और ये जो स्टिच है ये हम इस तरह से बुनेंगे ऐसे पीछे से
और साथ ही साथ यहां से उठाएंगे एक फंदा, टर्न करेंगे और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैं स्टिच को किस तरह से निकालती हूँ। ये देखें, ऐसे निकालना है और धागे को करना है दूसरी तरफ, बीच के फंदे बुनेंगे और ये जो स्टिच है ये हमें ऐसे बुनना है पीछे से, ठीक है। अभी ये देखें, ये उल्टी साइड है तो यहां पर हमें क्या करना है, इस तरह से ऐसे धागे को हम आगे की तरफ लाएंगे और उल्टा बुनते हुए स्टिच को उठा लेंगे, ठीक है। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम स्टिच को उठा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने ऐसे ही स्टिच को निकाल लिया है और यहाँ पर धागे को घुमाया नहीं है और यहीं से बुनाई को शुरू करना है। एक साइड पर ही स्टिच हम जो है धागे को घुमाकर करेंगे और याद रखिएगा ये वाला स्टिच आपको पीछे से बुनते हुए कंप्लीट करना है। और ये देखिए, ये सीधी साइड है और जब सीधी साइड आएगी तो हमें स्टिच को ऐसे उठाना है और जब ऐसे उठाना है तभी हमें जब बुनाई करनी है अगले रो की, तो हमें स्टिच को इस तरह से निकाल कर धागे को दूसरी तरफ घुमा देना है ऐसे। ये वाला स्टिच पीछे से बुनते हुए दोनों तरफ से ऐसे ही करना है, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और यहां से उल्टा बुनते हुए एक स्टिच उठा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो बुनाई है वो अंदर की तरफ मुड़ती हुई हो जाएगी और साथ ही साथ फंदे जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। ये आपको याद रखना है, लास्ट का स्टिच पीछे से बुनते हुए आपको इस तरह से पीछे से बुनते हुए बनाना है और जब स्टिच उठा लें इस तरह से तो इसको हमें बिना बुने ऐसे निकालना है, ठीक है, और धागे को घुमा देना है और फिर यहाँ पर आकर ये स्टिच बुनेंगे और इसको उल्टा बुनते हुए उठाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम दोनों तरफ से बुनते हुए इसको यहां तक बुनेंगे, यहां तक हमारे 23 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां तक इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। और ये वाला जो धागा है इसे हम यहीं पर कट भी कर देंगे। ये फंदे हमारे 23 हो गए हैं। अभी ये वाला जो मार्कर है ये देखिए, यहां से मैंने फंदे जो है वो उठा लिए हैं जहां जो स्टिच के ऊपर ये मार्कर लगा हुआ है, तो इस मार्कर को हम निकाल देंगे। अभी यहां तक हमें फिर से फंदे तो सेम ही उठाने हैं जैसे हमने पीछे उठाए हैं, तो अभी हमें क्या करना है, यहां से हम फंदों को दो फंदों का एक इधर से और दो फंदों का एक इस तरफ से करते जाएंगे ताकि हमारे पास जो 23 फंदे हैं वो यहां तक उसकी बुनाई हो सके। वो देखें किस तरह से हमें करना है, तो यहां से शुरू करेंगे बुनना। ये दो फंदों का है, दो का एक हम करेंगे और ये वाला स्टिच जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे वैसे ही बुनेंगे और साथ ही साथ यहां से एक स्टिच उठा लेंगे। तो यहां पर हमारे स्टिच की गिनती सेम ही रहेगी। बिना बुनी निकालेंगे इस फंदे को और सीधा सीधा बुनते हुए जब लास्ट में हम जाएंगे तो तीन फंदे रह जाएंगे, तो हमें दो फंदों का एक कर देना है और एक स्टिच को बुनकर साथ ही साथ एक स्टिच नीचे से उठा लेना है।
ये वाले स्टिच को ऐसे बुनेंगे और ये यहाँ से लेके ये उल्टी साइड आती है, तो धागे को हमें इस तरफ करना है। जैसे हम पीछे फंदे उठा रहे थे ना, सेम वैसे ही बस करना है। बस इसमें चेंज यही है, हमें दोनों साइड से एक एक फंदे को कम करते चले जाना है। तो ऐसे ही हम इस तरफ आएंगे और यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे और ये स्टिच बुनेंगे और यहाँ से फंदा उठा लेंगे, ठीक है। फिर इस तरफ को आएंगे तो यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे और साथ ही साथ ये स्टिच बुनेंगे और फिर एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इन्हीं 23 फंदों को बुनते हुए यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। ये वाला एरिया हमें दो फंदे का एक करते हुए बुनना है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी हमारे फंदे देखें बीच में 23 ही हैं और दोनों जगह से हमने यहाँ से यहाँ तक बुनाई कर ली है। अभी जहाँ पर हमारा मार्कर है, जिस स्टिच में हमारा मार्कर है, यहाँ से हम फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे। और वो देखें हमें किस तरह से करना है। जैसे हमने कम किए हैं बस वैसे ही हम बढ़ा लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो बस फंदे अभी हमें कम नहीं करने। जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे ना, यहाँ पर बुना था, तो वैसे ही हम बुनेंगे और साथ ही साथ फंदे जो हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। पूरे फंदे हमें बुन लेने हैं। ये देखें यहाँ पर हम फंदों को कम नहीं कर रहे और ये जो स्टिच है ये हमें ऐसे पीछे से बुनते हुए ही बनाना है। अभी ये देखें ये मार्कर वाला स्टिच है हमारा, मार्कर को निकाल देते हैं और यहाँ से जैसे हम पीछे फंदे उठा रहे थे सेम वैसे ही उठाने हैं। फंदे उठाने का तरीका कहीं भी आपको चेंज नहीं करना है, उससे पहले का जो स्टिच है वो भी सेम ही बुनना है। तो यहाँ से फिर से हम बुनाई करेंगे, इस स्टिच को ऐसे उठाना है और धागे को पीछे करना है। जैसे जैसे फंदे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको जो है नीडल को घुमाना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आपको करना है। ये स्टिच को हमने बुन लिया ऐसे और इसे हम निकाल देते हैं और धागे को आगे की तरफ करेंगे और इसी स्टिच से हमें याद रहे कि यहीं से हम फंदों को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं जहाँ मार्कर लगा हुआ था, ठीक है। तो ये बीच के फंदे हमारे इस तरह से पड़ने शुरू हो जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे फंदे पड़ेंगे ना तो यहाँ से बुनाई करना हमें मुश्किल होगा, तो हम आधे फंदों की बुनाई कर लेंगे। इस सिलाई को हम इस तरह से खींच देंगे थोड़ा सा, ठीक है। बुनाई सेम ही करनी है, बुनाई में कोई फर्क नहीं है। जैसे जैसे फंदे पड़ेंगे तो बीच में हमें बुनने में दिक्कत आएगी, इसीलिए यहां से हम इसको इस तरह से हाफ करके बुनेंगे। बहुत ही इजी है इन सिलाइयों के साथ बुनना। वैसे आप चार जो स्ट्रेट नीडल होती हैं उसके साथ भी बुन सकते हो, लेकिन थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है। तो सर्कल नीडल अगर आपके पास है तो इसमें आसानी रहेगी बुनने में। तो इस तरह से जब फंदे आपको ज़्यादा बढ़ाने हैं तो इस तरह से बुनाई करें। ये जो नीडल है ये खींच कर हम पीछे कर लेंगे ऐसे, और इस नीडल को आगे की तरफ निकाल देंगे ऐसे। तो यहां से हमें बुनने में आसानी रहेगी। बुनना सेम ही है, बुनने में कोई बदलाव नहीं। लास्ट की स्टिच को आपको पीछे की तरफ से बुनना है और साथ ही साथ एक स्टिच उठा लेना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से स्टिच को उठा लेंगे।
ऐसे ही आपको ये बुनते जाना है। अभी इस तरफ आएंगे और यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से स्टिच उठाएंगे, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे इसको, ठीक है। तो हमें बुनना है ये वाले स्टिच तक, ये जो स्टिच है लास्ट का, यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी पूरे फंदे जो हैं वो 47 हो गए हैं और हमारी बुनाई जो है यहाँ के लास्ट स्टिच तक कंप्लीट हो गई है। अभी हमें फंदों को फिर से घटाना है, वो देखिए हमें किस तरह से करना है। जैसे हमने पीछे फंदे घटाए थे ना, सेम वैसे ही ये वाले फंदे भी हमें घटाने हैं। बस फंदे घटाते जाना है और आगे इसको बुनते जाना है। अभी जो लास्ट का स्टिच है वो हमें देखना है कि हमें किस तरह से वो बुनना है जब यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम दो फंदों का एक कर देंगे, पूरे स्टिच हम बुन लेंगे। फंदे बढ़ाने के बाद ये फर्स्ट रो है जो हमने कंप्लीट किया है। अभी यहाँ पर देखे 3 फंदे हैं और यहाँ पर हम 2 फंदों का एक कर देंगे। शुरू में भी हमने 2 फंदों का एक किया है और लास्ट में भी 2 फंदों का एक करेंगे। और ये वाला स्टिच जो है वो हम अब ऐसे बुनेंगे। अभी हमें पूरे रो को सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इसमें हमें कोई फंदा जो है घटाना नहीं है। एक रो में 2 स्टिच हमें कम करने हैं, एक शुरू में और एक आखिर में, और एक रो को हमें ऐसे ही बुन लेना है। पूरे रो को हमने सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया है और दोनों तरफ से लास्ट का जो स्टिच होगा वो हम इस तरह से उल्टा करके ही बुनेंगे। अभी फिर से हमें वही प्रोसेस दोहराना है। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे और पूरे रो को बुनकर यहाँ पर फिर से हमें 2 फंदों का एक कर देना है, ठीक है। और फिर अगले रो को हमें सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फंदे को निकालेंगे और यहाँ पर फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। ये लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं, अभी हम फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। तो ये अगला रो जो होगा वो हमें यहां से फिर से सीधा सीधा बुनते हुए यहां तक कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे ही हम इसको जो है बुनना कंटिन्यू रखेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से नजर आ रही है। तो मैं इसे ऐसे ही बुनना कंटिन्यू रखूंगी। एक रो में हम फंदों को कम करेंगे और एक रो को ऐसे ही बुनेंगे, ठीक है। तो आगे इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे। अभी यहां से लेकर यहां तक टोटल रो जो है वो 90 हो गए हैं और ये बीच की लाइनें जो है वो 45 है। अभी हमें फिर से फंदों को बढ़ाना शुरू कर देना है और बुनाई को यहाँ तक लेकर आना है। वो देखिए हमें किस तरह से करना है, सेम वैसे ही प्रोसेस है इसमें, बस कभी फंदों को घटाना है कभी बढ़ाना है। यहाँ तक हमारे 90 रो जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और अभी आगे हम फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। ये वाला फंदा जो है वो हम पीछे की तरफ से ऐसे बुनेंगे और ये देखें, ये वाले स्टिच के बीच में से ऐसे एक फंदा उठा लेंगे, ठीक है। और ये जो फंदा है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, इसको ऐसे बुनेंगे और धागे को घुमा देंगे ऊपर से, ठीक है। तो फिर आगे बुनाई शुरू करेंगे। और साथ ही साथ हमें ये वाला स्टिच याद रखना है, सेम वैसे ही बुनना है, ठीक है। धागे को अपनी तरफ करना है और यहां से हमें
एक स्टिच ऐसे उठा लेना है जैसे हम पीछे करते आ रहे थे, बस वैसे ही। फिर से टर्न करेंगे और ये वाले स्टिच को बिना बुने इस तरह से उतार लेना है और आगे से बुनाई को शुरू कर देना है। बहुत ही इजी है। अभी फंदे पड़ने शुरू हो गए हैं। अभी ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे। ये देखें, इस तरफ को ये बुनाई हमारी होती चली जाएगी, ठीक है। और बुनाई हमें यहाँ तक करनी है। ये देखें जी, राउंड इसको बुनते हुए यहाँ तक हमने स्टिच उठा लिए हैं। ये देखें, ये लास्ट का यही स्टिच है जो अभी रहता है उठाने को। तो यहाँ पर मैं कलर को चेंज करूंगी और ये वाला जो धागा है ये हम यहीं पर कट कर देंगे और आगे जो है वो दूसरे कलर के साथ हम बुनाई कर लेंगे। तो ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप पीछे से यहां से भी कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया जो है इस कलर का नजर आएगा, ठीक है। वो मैंने आपको बताया है 23 फंदे जब हो जाएं फिर आप कलर लगा लीजिए। अगर आप ऊपर जैसा कि मैं बना रही हूँ ऐसा बनाना चाहते हो तो पूरी यहां तक फंदे उठाने के बाद आप कलर चेंज कर दीजिए और ऊपर एक्स्ट्रा से राउंड जो है चार रो आप बना लीजिए, चार बना लीजिए, आठ बना लीजिए, आपकी चॉइस है। तो यहां से हम कलर ऐड कर लेते हैं। अभी यहां से मैंने एक फंदा उठाया था लास्ट वाला, ठीक है। तो ये स्टिच हमारा इस तरफ को है, ये देखिए ऐसे। और यहीं से हम कलर को ऐड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होगा ना उसे साथ में ही लपेट लेना है और साथ ही साथ ये वाले जो धागा है ये इसको भी हम साथ में ही लपेट लेंगे। थोड़ा सा टाइट रखिएगा धागे को ताकि अच्छे से यहां से फिनिशिंग आ सके। आप इस तरह से लपेट करना फिर से दोबारा भी इसको ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच दीजिएगा ताकि अच्छे से ये यहां से टाइट हो सके। बाकी का जो एक्स्ट्रा धागा होगा वो नीडल की मदद से हम स्टिच में से घुमा देंगे। तो मैं यहां तक इसको बना लेती हूँ, ये वाले राउंड को यहां तक। अभी हमें क्या करना है, यहां से हम तीन फंदे उठा लेंगे, एक दो और ये तीन। थोड़ा सा नीचे से स्टिच उठा लेते हैं ताकि यहां पर होल नजर ना आए। तो यहां से हमने तीन फंदे उठा लिए और ये यहां से अब जो बुनाई हम करेंगे ना, ये देखें ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और इस मिरर को पीछे की तरफ खींचेंगे अभी हम यहां से एक उल्टा एक सीधा इस तरह से बुनेंगे। नीडल को आगे कर लेते हैं, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। अभी हमने ये फंदा जो है सीधा बुना है तो धागे को अपनी तरफ कर लेते हैं और यहां से एक फंदा हम बुनेंगे उल्टा ऐसे और साथ ही साथ इसे हमें खींच लेना है, साथ में मिला लेना है, ठीक है। तो एक फंदा हम बुन रहे हैं उल्टा ऐसे और एक बुनेंगे सीधा, एक उल्टा एक सीधा। बस ऊपर
आप जितना बॉर्डर बनाना चाहे बना लें। तो इस तरह से एक उल्टा एक सीधा बनते हुए यहां पर मैं 4 रो कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ इतना सा बना लेते हैं, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। इसको अभी हमें ऐसे राउंड राउंड ही बुनना है, यहाँ आएंगे फिर इस तरफ को, फिर इस तरफ को, फिर इस तरफ को, ठीक है। तो ऐसे हमें बुनना है। 4 रो बुनने के बाद यहाँ पर जो है इस तरह से लाइनें जो है 4 नजर आएंगी, 1 2 3 4। तो अभी धागा ये देखें यहाँ पर है, यहां से हमने शुरू किया था इस जगह से, ठीक है, उल्टा फंदा बुनते हुए। ये बीच के 3 फंदे थे जो इस तरफ मैंने कर दिए हैं, तो यहां से हमने उल्टा फंदा बुनते हुए शुरू किया था। तो अभी हम इसको बंद करेंगे। बंद करने का तरीका ये देखें इस तरह से है, उल्टा फंदे को बुनेंगे, और आगे फिर से सीधे फंदे को बुनेंगे ऐसे, और पीछे के फंदे को उठाएंगे और आगे के फंदे के बीच में से निकाल देंगे। फिर से हम उल्टा फंदा बुनेंगे और पीछे के फंदे को उठाएंगे और आगे के फंदे के बीच में से निकाल देंगे। तो इस तरह से उल्टा सीधा बुनते हुए आप इसको बंद कर दीजिए। चाहे तो आप सीधा सीधा बुनते हुए भी इसको बंद कर सकते हैं। बस इसको बंद करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि धागे को ढीला ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। बिल्कुल ढीला ढीला धागा रखते हुए आप इसको बंद करेंगे। अगर आपने टाइट किया तो पैर में डालने में फिर दिक्कत होगी। तो इसको पूरा बंद कर लेते हैं। तो ये ऊपर से इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ही इसे पूरे हमें यहाँ तक बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो धागा होगा वो किस तरह से इस तरफ करना है वो मैं आपको पूरा इसे पूरे फंदों को बंद करके यहाँ तक फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये वाला, ये हम अंदर की तरफ यहाँ से मोड़ देंगे। इसको क्रोशे की मदद से भी आप कर सकते हो या फिर आप इस तरह से नीडल की मदद से भी कर सकते हो। इस तरह से क्रोशे की मदद से आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो ऐसे आप निकाल दें इसको। नीचे जो एक्स्ट्रा धागा है ये वाला, यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे ऐसे, और फिर ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे भी हमें ऐसे बीच में से निकाल देना है। जितना भी धागा जहां पर भी हो तो आप स्टिच के बीच में से उसको घुमाते हुए निकाल दें। एक्स्ट्रा है उसे कट कर देते हैं। तो ये इस तरह से ऊपर का हिस्सा तैयार हो जाएगा और ये बोटीस हमारी बनकर तैयार है। तो पहनकर देखते हैं किस तरह से लगती है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।